ऐसे मुद्दे पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ जिस मुद्दे को लेकर बहुत चर्चाएं रहती है। पहला आप मेरे को ये ना जवाब दीजिएगा, काफी सारे लोग अपने हाथों में ना उंगलियों में अंगूठियां डाले रखते हैं और उसमें किसी ना किसी तरह का जेमस्टोन होते हैं। ना मानने वाले ये कहते हैं कि इन पत्थरों से क्या होगा, ये पत्थर है ना, इनसे क्या फर्क पड़ेगा। मानने वाले ये मानते हैं कि अगर मैं ये चीज धारण कर लूंगा या ये अंगूठी धारण कर लूंगा तो मेरे को थोड़ी हेल्प मिलेगी, और मिलती भी है, उनका अपना निजी एक्सपीरियंस है। ये फर्क पड़ता है या सिर्फ मन का गेम है, इसमें ठीक कौन से है, ये कहने वाले कि सिर्फ पत्थर है या फिर ये कहने वाले पत्थर नहीं है बल्कि तो जेमस्टोन है, इनमें अपनी ऊर्जा होती है जो कि फायदा पहुंचाती है। राइट सर, राइट। आपने देखा होगा जब आप किसी भी दुविधा में अटकते हो या फिर कोई काम नहीं बन रहा है तो एक तो आप पंडित जी के पास जाते हो या फिर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तीन ही लोग आपको स्टोन सजेस्ट कर सकते हैं। तो पंडित जी स्टोन किस हिसाब से बताएंगे कि आपका जो मतलब लाइक चंद्रमा वीक है तो आपको स्टोन बताया जाएगा, एस्ट्रोलॉजर जो बताएंगे वो भी आपको कुंडली देख के बताएंगे, फिर आपको बताया जाएगा एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट तो आपको बताया जाएगा आपके बर्थ डेट के हिसाब से, आपके फिजिक्स नंबर्स के हिसाब से और आपके डेस्टिनी नंबर्स के हिसाब से आपको स्टोन बताया जाएगा। अब आप बताओगे कि स्टोन पहनते कैसे, तो आपको तो पता है राजा महाराजाओं को आपने देखा होगा कितनी सारी मतलब उनकी पांचों दसों उंगलियों में हम लोगों ने देखा है स्टोन पहने हुए। अभी भी आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देख लो तो मोस्ट ऑफ टाइम उनके हाथ में आपको एमरल्ड दिखेगा, उनके हाथ में एक्टर्स आप देख लो, आप लोग सीरियल एक्टर्स देख लो, मूवी एक्टर्स देख लो, सभी के हाथ में आपको स्टोन्स दिखेंगे। इवन अगर न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, एकता कपूर आप देख लो, उनकी सारी उंगलियां स्टोन से भरी हुई होती है। तो स्टोन्स आप अंगूठी में पहन सकते हो, पेंडेंट बना के पहन सकते हो, लॉकेट बना के पहन सकते हो, ब्रेसलेट्स बना के भी आप पहन सकते हो। जैसे अभी आपने बोला कि कोई बिलीव करता है कोई नहीं करता है, अगर उनको बिलीव करना है बट सामने वाले को नहीं दिखाना है तो उनके लिए इतनी सारी ऑप्शंस होते हैं, पेंडेंट, ब्रेसलेट्स एंड आजकल तो काफी सारी डिजाइन आ जाती है जिसमें आप स्टोन अंदर की साइड से लगा के रख सकते हो। बट जब भी आप कोई भी स्टोन पहनते हो जो भी आपको सजेस्ट करते हैं तो वो स्टोन आपके स्किन को टच होना बहुत जरूरी है। अगर आपके स्किन को वो टच नहीं होगा तो उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा मैम एक चीज और है, क्योंकि अब जब हम इस सारी चीजों को देखते हैं तो दो क्वेश्चन और आते हैं मेरे मन में। पहला, स्टोन पहनने की सलाह क्यों दी जाती है, ये तो पहला आता है। दूसरा, और दूसरा जो क्वेश्चन आता है, स्टोन क्यों पहनाया जाता है, किस वजह से, क्या कारण है, क्या क्या चीजें देखी जाती है इसके स्टोन पहना है। वही मैंने बोला कि जब आपको दिक्कत आती है तभी आप इन सारी चीजों की तरफ टर्न होते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र लग्न जो होता है वो वीक है तो आपको स्टोन पहनने की सलाह दी जाती है। आपका भाग्य अंक, आपका फिजिक्स नंबर, आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो भी अगर वीक है और उसकी ग्रेविटी अगर बढ़ानी है तो डेफिनेटली आपको काफी सारे स्टोन्स ऐसे होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। सबसे बेस्ट थिंग अगर मैं आपको आज यहाँ पे बताऊं तो स्टोन का सबसे बेस्ट काम होता है साइकोलॉजी। आप मोटिवेट हो जाते हो कि अभी मैंने ये स्टोन पहना है तो मुझे दिक्कतें कम आने वाली है। स्टोन अपनी जगह पे प्रॉपरली काम करेगा बट जब एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट मेरे पास अगर कोई आता है, मतलब समझ लीजिए आप मेरे पास आए और मुझे आपने बताया कि शीतल मुझे इतनी सारी दिक्कत है मैं क्या करूं, तो मैं आपका नाम बदल दूंगी, सिग्नेचर बदल दूंगी, देन यू आर नॉट सैटिस्फाइड शीतल, इससे क्या होगा, देन मैं आपकी एस्ट्रोलॉजी देख के फिर मैं आपको स्टोन सजेस्ट करूंगी। जैसी प्रॉब्लम है उस तरीके से आपको स्टोन सजेस्ट किए जाते हैं, आपके बर्थ डेट के हिसाब से भी सजेस्ट किए जाते हैं, आपकी पूरी बर्थ डेट की टोटल निकालने के बाद भी, जो प्लैनेट वीक है उस प्लैनेट की ग्रेविटी बढ़ाने के लिए भी आपको स्टोन सजेस्ट किए जाते हैं। डेफिनेटली भाग्यांक बढ़ाएगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी और काफी सारी चीजें आपके लाइफ में चेंजेस होगी जब आप कोई आपका लकी स्टोन पहनोगे तो। ठीक है, तो मैं आपको इस तरह से समझ सकता हूँ कि कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट है वो डेस्टिनी नंबर, साइकिक नंबर या फिर नाम और नंबर के हिसाब से आपको सजेस्ट करता है कि आपको कौन सा स्टोन डालना चाहिए। चार बेसिक चीजें है जो आप देखते हो उस हिसाब से आप सजेस्ट करते हो। इसी में हम ये चीज भी पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जो आपने हमको इन्फॉर्मेशन दी कि सफलता और भाग्य उन्नति के हिसाब से जो ताकतवर स्टोन होता है, जिसमें उसकी ताकत होती है, वो आप सजेस्ट कर रहे हैं।
कि भी आप ये डालो, ठीक है। तो मोटा मोटी आपका जो सिलेक्शन होता है वो ये होता है कि जहाँ पे सफलता और उन्नति मिल जाए, वो अगर कहीं पे डेफिसिट हो रहा है, कहीं कमी हो रहा है, तो उससे जुड़ा हुआ स्टोन आप दे देते हो ताकि वो डेफिसिट यानी कि वो कमी को पूरा कर दिया जाए, ठीक है। इंटरेस्टिंग। अच्छा मैम एक और भी ये क्योंकि एक और चीज ऐड कर लेती हूँ, मेरे YouTube पे सारे स्टोन्स डिटेल्स और कौन से बर्थडे के हिसाब से कौन सा स्टोन पहनना चाहिए ये मैंने वहां पे गाइड किया है। कम से कम 15 टू 20 वीडियोस है अबाउट ईच एंड एवरी स्टोन, उसे शुद्ध कैसे किया जाता है, उसे पहना कौन सी उंगली में जाता है, वो सारी चीजें दी गई है। बट वो लाइक हम लोग ऐसे अभी जैसे बता रहे हैं वैसे ही बर्थडे के हिसाब से आपके लिए पर्टिकुलर अलग स्टोन्स आते हैं। ओके ठीक है, तो मतलब एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी उन सारी वीडियोस में मिल जाएगी कि इसके लिए कौन कौन सा स्टोन है, बट फिर भी स्पेसिफिक स्टोन्स अगर लेने हो तो आप फिर डेट ऑफ बर्थ, डेस्टिनी नंबर, साइकिक नंबर, नेम, आपका सिग्नेचर वगैरह सब चीजों को देखने के बाद ही फिर आपको सजेस्ट किया जाएगा। तो दैट इज कुल मिला के बात यह है कि अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की अगर आपको जरूरत है तो फिर आप शीतल मैम से एक बार संपर्क करके अपनी इस स्टोन की भी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। मैडम इसी स्टोन में आ रहा था मैं, तो ये व्यक्ति को पहनाया क्यों जाता है, किस किस वजह से, क्या डेफिसिट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है नौकरी में, व्यापार में, सारी चीजों को देख के देखा जाता है, तो इसके कुछ बहुत रेयर आपको ऐसे दिखाई देगा कि जिस पर्सन को प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 99% लोगों को प्रॉब्लम्स है, हर कोई प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, मतलब सक्सेसफुल पर्सन होने दीजिए, अनसक्सेसफुल पर्सन होने दीजिए, हर कोई कभी फील करता है, अपना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, किसी को बुरी आदतें होती है, डर बैठता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, जॉब की समस्या है आपके व्यवसाय में, मतलब लाइक बिजनेस में आपको नहीं सक्सेस मिल रहा है, और ज्यादा पैसे कमाने हैं, इवन स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी चाहिए, हेल्थ के लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए, बहुत बार ऐसा होता है ना, काफी सारी प्रॉब्लम्स जब मैं देखती हूँ ना न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, तो तब मैं समझ जाती हूँ कि कितनी प्रॉब्लम्स है, मतलब उस हर एक प्रॉब्लम पे अलग अलग सोल्यूशन होता है, वैसे ही हर एक प्रॉब्लम का अलग अलग सोल्यूशन, हर एक प्रॉब्लम का अलग अलग जेम स्टोन होता है। ठीक है मैम, एक एक केस हम ऐसे कुछ स्टडी करना चाहते हैं आपके साथ, क्या कोई आप हमको वैसा कोई एग्जांपल देके बता सकते हैं कि डेट वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हो और आप कैसे देते हो और कैसे वो स्टोन डिफाइन करते हो, उसकी कुछ कैलकुलेशंस अगर आप दिखाओ तो एक बार आप हमको एक सैंपल के तौर पर एक बताइए जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके सो देख लीजिए, अगर 15 का अगर टोटल करोगे आप तो 1+5 आता है, समझ लीजिए 15/7/1992 आपकी बर्थ डेट है, तो आपका फिजिक नंबर आता है 15, तो आपके लिए अगर फिजिक नंबर के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं तो मैं आपको सफायर प्रेफर करूंगी, फिर मैं डेस्टिनी नंबर अगर आपको आपका निकालूंगी तो वो आता है 2, आपको सारी चीजों की टोटल करनी पड़ेगी आपके एज की सारी चीजें, मतलब जब प्लैनेटरी देखे जाएगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पर्ल मोती, जैसे अभी शीतल नाम है, नाम के हिसाब से भी मेरे लिए पर्ल और मेरे लिए एमरल्ड, ये बहुत दोनों स्टोन्स मेरे लिए लकी है, तो मैंने मेरे नाम के हिसाब से, मेरे बर्थ डेट के हिसाब से, डेस्टिनी नंबर्स के हिसाब से, फिजिक नंबर्स के हिसाब से सारे कैलकुलेशंस करने के बाद मैंने ये दोनों स्टोन पहने हुए हैं। ओके ठीक है, वैसे ज्यादातर आप वेटेज किसको देते हैं, डेस्टिनी नंबर को या फिर डेट को, किस चीज को, मतलब उसके अंदर टाइम भी होता है और डेट भी होती है, तो आप किस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हो? देखिए सर, जब मैं न्यूमरोलॉजी काउंसलिंग करती हूँ, जब आपका डाटा मेरे पास आता है, तो मैं कम से कम 1 दिन लेती हूँ स्टडी करने के लिए, मतलब 7 to 8 hours पर पर्सन मैं स्टडी करती हूँ, तो आप समझ लीजिए कि मैं इतनी सारी चीजें देखती हूँ उसके बाद ही रेकमेंड करती हूँ। ठीक है मैं समझ गया, इसको एक पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता है कि पिन पॉइंट पे आके उसके लिए मल्टीपल चीजों को देखने को, बोलना है कि फिजिक्स नंबर देखा जाएगा, डेस्टिनी नंबर देखा जाएगा, इवन आपका मतलब लाइक राशि भी देखी जाएगी, एज भी देखा जाएगा। अब
अभी मोस्ट ऑफ टाइम आपका 17-18 साल का बच्चा हो गया और वो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो आप किसी के पास जाओगे और वो आपको स्टोन सजेस्ट करोगे। यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली आपको बता दूं कि 25 के नीचे मैं स्टोन रेकमेंड नहीं करती हूँ। स्टोन रेकमेंड करती हूँ तो मैं वहां पे स्ट्रिक्टली लिख के देती हूँ कि 8 दिन ये स्टोन आप आपके साथ में रखिए, अगर इससे कुछ बाधा होती है तो डेफिनेटली हम लोग उसे नहीं यूज करेंगे, बट वो 8 दिन में अगर आपको सूट करता है तो हम लोग उसे कैरी करेंगे। ये स्टोन्स के बारे में बहुत जरूरी चीज हमेशा याद रखिए, बिलो 25 स्टोन्स मत रिकमेंड, मतलब मत पहनिए अपने बच्चों को भी, और जब भी आपको पहनना है तो 8 दिन आपको उसके साथ में रखना है, और अगर कुछ भी होता है तो उसे ना यूज करें। उसके बाद में अगर 8 दिन अच्छे से जाते हैं आपके, उसके बाद में आप उसके रिंग बनाइए, जो भी जिस तरीके से आपको पहनना है उस तरीके से आप पहन सकते हो। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो हमने आपके साथ में कवर किया, और उम्मीद करते हैं कि हम आपको जेम स्टोन्स को लेकर कुछ खास पढ़ेंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी एडवाइस लेनी है, आप जेम स्टोन्स के बारे में जानना चाहते हैं, आपने डाल रखे हैं तब भी, नहीं डाले हुए तब भी, आप चाहे तो शीतल जी से संपर्क करके बट उसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। ये नंबर वगैरह सब कुछ आपकी डिटेल हमेशा आपके साथ आ गई होगी, व्हाट्सएप का नंबर है, ये वेबसाइट है, और साथ ही आपको ईमेल एड्रेस भी लिख रहा होगा, और शीतल जी के जो यूट्यूब है और फेसबुक का जो सीधा सीधा एड्रेस है वो शीतल बाखरे लिख देंगे तो आपको दोनों ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं 26 नंबर की शुरुआत। 25 नंबर का पूरा डाटा एनालिसिस कर लिया, जेम स्टोन्स के लिए बहुत बार ऐसे होता है कि स्टोन्स आपकी मिसकंसेप्ट होती है कि सिल्वर में पहनना चाहिए, गोल्ड में पहनना चाहिए, क्योंकि लॉट्स ऑफ स्टोन्स होते हैं जैसे रूबी, एमरल्ड, डायमंड, येलो सफायर, मोती, कैट आई, कोरल, लोपीज एंड इतने सारे स्टोन्स हैज़नेट आपको मिल जाएगा, येलो टोपाज मिल जाएगा, व्हाइट टोपाज मिल जाएगा, ब्लैक पर्ल्स मिल जाएगा, ब्लैक हैकिंग भी मिल जाएगा, तो इतने सारे स्टोन होते हैं। तो सबसे पहले आपका सवाल आता है कि हम लोग इसे कौन से मेटल में पहने, तो डेफिनेटली अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो गोल्ड में आप पहन सकते हो। बहुत बार ऐसे कंसेप्ट होता है, अगर आप मुझे बोलोगे कि शीतल तूने मोती तो पहना है बट गोल्ड में क्यों पहना है, मोती का कंसेप्ट होता है कि आप चांदी में पहनो, बट ये जो स्टोन्स होते हैं ना, दिस इज गुड फॉर अस, मतलब तो हम लोग जितना अच्छा उसे मेटल दे सकते हम जैसे अफोर्ड कर सकते वैसे, गोल्ड सिल्वर मिक्स डिपेंड्स ऑन आपके फाइनेंशियल कैपेसिटी पे, काफी सारी चीजें डिपेंड करती है। ओके, ठीक है, मतलब मेजॉरिटी आप कह रहे हैं कि गोल्ड के ऊपर है, वैसे फिर सेकंड जो मेटल है जो यूजली इस्तेमाल होता है वो सिल्वर है, नहीं तो फिर आप मिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट आउट आपने अच्छे से बताया। ठीक है, तो 25 नंबर और साथ ही ये जेम स्टोन का पूरा एक हिस्सा आपने अच्छे